हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बिग आईलाइनर किस तरह से लगाएं, क्योंकि बिग आईलाइनर लगाना लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मगर इतना भी नहीं है यदि हम अच्छे से लगाएं उसे और समझ कर लगाएं कि हमें कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ से एंड करना है, तो बहुत ही आसानी से लगता है ये। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से सीखा ये आईलाइनर लगाना, और आप लोगों को भी पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, एंड पहली बार मेरे चैनल पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं कि बिग आईलाइनर हम किस तरह से लगाएँ। तो बिग आईलाइनर बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम जैसे आईलाइनर लगाते हैं और सबसे लास्ट में लेके जाते हैं, बस वही करना है हमें। हमें वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, और बिल्कुल जैसे हम पेंटिंग करते थे बचपन में, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते थे, बस वही करना है हमें। बिल्कुल धीरे से, और पतली लाइन हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि आप बिगनर हैं तो आप एकदम पतली लाइन लीजिए। मैंने थोड़ी सी थिक कर दी है लाइन को, तो बस आप बिल्कुल एकदम पतली लाइन लेना, तो बहुत ही आसानी से आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में, क्योंकि यदि हम उसके ऊपर फिर लगाते जाएंगे तो वो काफ़ी मोटा हो जाएगा, जिसके कारण शायद परेशानी हो सकती है। तो इससे बेहतर है कि हम एकदम पतली लाइन ड्रॉ करें। तो देखिए, जहाँ से मैंने इस तरह से किया है, बस यहाँ पे भरते जाना है हमें, पूरा आईलाइनर हमें फील करना है, और बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे तो बिगनर बहुत आसानी से आईलाइनर लगा सकते हैं। और मैंने बिल्कुल पास से बताने की कोशिश की है कि मैंने किस तरह से लगाया है, क्योंकि दूर से तो कई बार हम देख लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब हम लगाना स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और हमारा आईलाइनर पूरा बिगड़ जाता है। तो मैं इसलिए बिल्कुल आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आईलाइनर किस तरह से लग के तैयार हुआ है। और यहाँ से हम शुरुआत से थोड़ी सी पतली लाइन ड्रॉ करेंगे, काफ़ी पतला रहता है शुरुआत में और फिर पीछे जाते जाते वो थोड़ा मोटा होते जाता है। तो बस उसी बात का ध्यान रखना है बिग आईलाइनर बनाने के लिए कि शुरुआत में एकदम पतला होता है, एकदम पतला भी रखेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि हाँ आईलाइनर लगा है सामने भी तो वो भी दिखा सकते हैं। और देखिए, बस इस तरीके से भरते जाना है। और देखिए, थोड़ा सा वहाँ पे चौड़ा हो गया था, लाइन बन गई थी, तो मुझे वहाँ तक इसे कवर करना है और मैं वहाँ तक कवर करूँगी इसे। तो देखिए, मैंने वहाँ तक इसे कवर करा है और इसे थोड़ा सा ऐसा चौड़ा बनाएंगे और फिर सामने तक ले जाके पतला एक सार हम कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और इसे हम थोड़ा और चौड़ा भी कर सकते हैं। बिग आईलाइनर आपने देखा होगा काफ़ी तरीके से बनाए जाते हैं, थोड़े पतले भी होते हैं और थोड़े ज़्यादा चौड़े भी होते हैं, तो आप जिसमें कम्फर्ट हैं आप उस तरह से बना सकते हैं। मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है कि देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, फिर आप इसे ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा पतला रखना चाहें तो पतला रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और देखिए इस तरह से लग गया है। लेकिन अभी मुझे इसे थोड़ा सा नीचे और मैं लगाऊंगी, और थोड़ा सा नीचे से ले जाके मैं थोड़ा ऊपर तक एक पतली लाइन ड्रॉ करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा मोटा लग रहा है वहाँ पे। तो देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाई है, बिग लाइन जो बनाई है, इससे आप थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं, इसे छोटा रखना चाहें तो। तो मैंने अपनी दूसरी आइज पर भी बना ली है लाइनर, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, मेरी वो क्लिप।